आगरा डेवलपमेंट फाउंडेशन की ओर से एमजी रोड पर एलिवेटेड मेट्रो 2 के प्रस्तावित कार्य से शहरवासियों को होने वाली यातायात समस्याओं को लेकर शहर की प्रबुद्ध संस्थाओं और व्यापारिक संगठनों ने एक विशाल जागरूकता प्रदर्शन कर केंद्र व प्रदेश सरकार से मेट्रो को भूमिगत पर चलवाने की मांग की। संजय प्ले स्थित स्पीड कलर लैब पर आगरा डेवलपमेंट फाउंडेशन की ओर से मेट्रो 2 के प्रस्तावित कार्य को लेकर शहर की प्रबुद्ध संस्थाओं और व्यापारिक संगठनों ने एक विशाल जागरूकता प्रदर्शन कर केंद्र व प्रदेश सरकार से मेट्रो को आगरा एमजी रोड पर भूमिगत पर चलाने की मांग की। शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे प्रबुद्ध संस्था और व्यापारिक संगठन के लोगों ने बताया कि एलिवेटेड मेट्रो 2 का डीपीआर तैयार किया गया है, जिसमें मेट्रो को आगरा के लाइफलाइन कहे जाने वाले एमजी रोड के ऊपर से मेट्रो संचालित होगी, जिसकी वजह से शहर का ट्रैफिक जाम हो जाया करेगा, जिसके बहुत ही दुष्परिणाम होंगे। देखिए, आगरा के लिए खुशी की बात है, गर्व की बात है, आगरा मेट्रो सिटी होने जा रहा है और आगरा में मेट्रो बन चुका है और बनने जा रहा है। आगरा का जो दूसरी फेज 2 है, आगरा कैंट से लेकर के कालिंदी विहार तक, ये एमजी रोड के ऊपर से गुजरेगा। एमजी रोड के ऊपर से मेट्रो जो निकाली जा रही है, आगरा की लाइफ लाइन है एमजी रोड, और एमजी रोड की चौड़ाई ऐसे ही बहुत कम है, जितनी जरूरत है उससे कम है। अगर 10 फुट मेट्रो के पिलर में चली जाती है तो ये वास्तव में यहाँ निकलना मुश्किल है। ये हमारा सिर्फ एक ही मत है कि एमजी रोड का जो 4.5 किलोमीटर का एरिया है, वो 4.5 किलोमीटर में मेट्रो को भूमिगत किया जाए, ताकि आने वाले समय में अगर एलिवेटेड रोड की आवश्यकता भी हो तो एलिवेटेड रोड भी बन सके, और आगरा की जो लाइफ लाइन है उसमें सुधार आए, वो कहीं ना कहीं बिगड़े नहीं। इस उद्देश्य से लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं और मुझे लगता है कि ये बहुत ही जेन्युइन डिमांड है और बहुत बड़ा खर्चा नहीं है। देखिए, आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, एक शांतिपूर्वक हम लोगों ने प्रदर्शन किया है और हम लोग यहाँ मेट्रो आगरा में बन रही है, इसका हम लोग स्वागत करते हैं, हम इसको समर्थन में हैं। लेकिन ये जो डीपीआर जो तैयार हुआ है, जो प्लान हुआ है एमजी रोड पर से ऊपर से ले जाने का, उसमें काफ़ी विषमता हैं, परेशानियाँ हैं। तो हमारा मानना यह है कि मेट्रो को अंडरग्राउंड ले जाया जाए, ताकि कि भविष्य में जब ट्रैफिक बढ़ता है तो हम एक ओवरहेड एलिवेटेड रोड बनाने की यहाँ गुंजाइश रहे। अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर मेट्रो अगर ऊपर से जाती है एलिवेटेड रोड, मेट्रो ऊपर से जाती है रेल, तो ये शहर का सत्यानाश हो जाएगा, इसके बहुत दूरगामी दुष्परिणाम होंगे, बहुत विषमताएँ आएंगी, शहर का ट्रैफिक बिल्कुल चौक हो जाएगा आने वाले समय में। तो हमारी मांग यही है कि इस मेट्रो को भूमिगत ले जाया जाए और इस शहर को बचा दिया जाए। डीजी महाराजा न्यूज़ के लिए राजेश शर्मा की रिपोर्ट।